सो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत दिनों के बाद मैं कारवार में आया था बीच पे सुबह सुबह। तो यहाँ पे जो सुबह सुबह जो फिशिंग नेट खींची जाती है, हम लोग यहाँ पे एन्नी बोलते हैं। तो कारवार में आपका स्वागत है, और आपको अभी मैं एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा जो नेट खींची जा रही थी तभी मैंने शूट किया था। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो ऑलरेडी खींची जा चुकी है। तो वहाँ पे अभी मैंने देखा है बहुत ही प्राउंस मिले हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा सुबह सुबह यहाँ पे आके। तो आप देख सकते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर बीच कारवार का व्यू, और बहुत ही सही लग रहा है। सो एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा प्राउंस ही है। तो गाइस देख सकते हैं कितने प्राउंस मिले हैं। तो यहाँ से वहाँ तक शिफ्ट किया जा रहा है। सो एज अ बंच में
गाइज अभी अपने देखे जो वीडियोस, तो ये है थोड़ा एक कारवार का कल्चर, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो आज जो प्राउंस मिले हैं और ऐसे मछलियाँ बहुत मिलती है यहाँ पे, तो इसमें आज ज़्यादा से ज़्यादा प्राउंस है। तो मैं पूछूँगा कितना केजी तक ये प्राउंस मिला है, सो देखते हैं यहाँ पे, बात करते हैं थोड़ी बहुत। सो बहुत ही सही मूवमेंट है। अभी यहाँ से लेके वहाँ तक जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन है, क्योंकि पूरी जो प्राउंस और मछली है वहाँ पे शिफ्ट की गई है, और एक नेट वहाँ पे खींची जा रही है। तो बहुत ही देखेंगे, अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ, तो देखते हैं। सो यहाँ पे देख लीजिए, सो यहाँ पे सब शिफ्ट की गई है, और ये पूरा स्टॉक है प्राउंस का यहाँ पे। तो छोटी छोटी मछलियाँ भी है इसमें। सो दिस इज अ कारवार। कितने के जी उड़ता है अंदर? एक टन, वन टन रहेंगे ये। सो सो 6-7 क्विंटल। तो जैसे कि गाइज ये 700-800 नहीं तो 900 केजी रहेगा, एज वो बता रहे थे। सो देखिए, सो दिस टाइम फर्स्ट टाइम इन कारवार मैं ये एक्सपीरियंस फील कर रहा हूँ। सो बहुत ही सही है। सो गाइज यहाँ पे जो नेट खींची जा रही है, और कैसे खींची जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये साइड से एक रोप रहता है और दूसरी साइड से एक रोप रहेगा, जो आपने थोड़े बहुत वीडियो देखे होंगे। सो यहाँ पे ऐसे खींची जाती है रोप। सो दिस इज़ अ टेक्निक। सो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। तो अभी और देखता हूँ क्या शूट करने को मिलता है। सो यहाँ पे जो अभी बारिश का टाइम भी है और अच्छी वाइब भी है, कूल कूल फील हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे और एक जो बोट है, मीन्स होड़ी, वो फिशिंग के लिए जा रही है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी एक नेट निकाली थी। सो दिस इज़ अ कारवार कर्नाटका। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बीच की वाइब है बहुत ही सही है सुबह सुबह। तो थोड़े बहुत और एक ट्राई करता हूँ सिनेमेटिक शॉट्स निकालने के लिए, तो इन्जॉय कीजिए। तो है गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आई होप। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो अभी मैं जा रहा हूँ घर के लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।